Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8, call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. Guys, ma'am, Isbali has been awarded as a best school. So please give a big round of applause. मतलब आपके बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं। भैया, वहाँ से तो हम आ चुके हैं स्कॉलर्स वैली में और यहाँ पे बैक स्टेज परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी है और बच्चे बड़ी मस्ती के साथ रखे हुए नजर आ रही है। ठंडी क्या होती है इन्हें कुछ पता ही नहीं है और साथ ही साथ पेरेंट भी आए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों ने जो डांस कर रहे हैं उसे कैप्चर किया जा रहा है और जो इनके माँ पापा हैं वो भी काफ़ी खुश हैं इनकी परफॉर्मेंस को लेके। और पूरी ये जो मैदान, ये जो लॉन है पूरा पेरेंट्स से भरा हुआ है और इनके मम्मी पापा इतने खुश हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो स्टेज के सामने आके अपनी बच्चों की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते रहेंगे आपको इसकी और भी झलकियाँ। हमारे साथ है स्कॉलर्स वैली की डायरेक्टर मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव वीएनएस चैनल में। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चे तो मैम ये बताइए कि ये जो एनुअल फंक्शन हो रहा है, छोटे छोटे से बच्चे इतने क्यूट लग रहे हैं, ये एनुअल फंक्शन आपके स्कूल में कितने सालों से हो रहा है? ये मेरा 6th एनुअल फंक्शन है। तो इस बार क्या नया थीम है, क्या हाईलाइट्स है इस प्रोग्राम के? मैम जैसा आप लोग सब जान रहे हैं इस समय लड़कियों को लेकर के काफ़ी हादसे हो रहे हैं। हम लोग ने एक थीम ये इसमें डाला था सेव गर्ल्स का। जैसे आप देख रहे हैं हमारी छोटी छोटी बच्चियां, इतनी ठंड पड़ रही है, मौसम कितना ख़राब है, उसके बावजूद भी देख रहे हैं ना आप लोग कितना अच्छा परफॉर्मेंस सब लोग दे रहे हैं। सेकेंड हमारा एक्ट है पुलवामा का थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उनके आने वाले फ्यूचर के लिए? ये बच्चे हमारे देश के धरोहर हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे स्कूल के बच्चे आगे बहुत नाम कमाएं, अपने सारे का स्कूल का नाम रोशन करें। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये स्कूल के डायरेक्टर मैम और इन्होंने सभी किया कि इस प्रोग्राम में क्या क्या हाईलाइट्स और क्या नए हमारे साथ, हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के टीचर्स के साथ भी। तो हमारे साथ है स्कॉलर्स वैली की प्रिंसिपल मैम विभा श्रीवास्तव जी। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो मैम ये जो एनुअल फंक्शन हो रहा है तो इस बार के क्या नए हाइलाइट्स हैं या फिर क्या थीम है? हर एनुअल फंक्शन हमारा एक नए जोश के साथ एक नई चीज़ लेकर के आता है और इस बार हमारा मेन अट्रैक्शन है, हमने ऑलमोस्ट सब कई राज्यों को कवर किया है और उन राज्यों का कल्चर, उनके डांस जैसा कि देख रहे हैं, विथ लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें हाईलाइट करने की कोशिश की है।
और भारत में अनेकता में एकता, वो सारी चीज़ें, अनेक भाषाएं हमारे स्कॉलर्स वैली में, एक एक स्कॉलर्स वैली में निहित हैं। मैम कल हमने देखा रिहर्सल बहुत मेहनत के साथ बच्चे कर रहे थे और परफॉर्मेंस भी आज बहुत ही धमाकेदार तरीके से हो रही है, तो ठंडी भी बच्चों को नहीं लग रही है क्योंकि जो थी बीट बजते हैं तो फिर जो शरीर की कंपन होती है वो पता ही नहीं चलता है। और हमने देखा कि इस बार आपके स्कूल को बेस्ट स्कूल का अवार्ड भी मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मेरी टीम, जो आप लोग आगे बैठे हैं, एक बार पीछे नजर करिए क्योंकि मैं किसी को एक को नहीं कह सकती। और अगर आपकी पूरा नजर पहुंच रही है, तो सड़क पर भी लोग कोई एक बंदा भी स्कूल का ऐसा नहीं है कि वो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसकी है, ये उसका क्षेत्र नहीं, मेरा क्षेत्र है, ऐसी कोई भी चीज नहीं। जहाँ जहाँ एक छोटा है दूसरा वहाँ छोटा है। तो ये चीजें ये स्पिरिट हमारे स्कॉलर्स वैली की खासियत है। पूरी टीम ने मेहनत करके बेस्ट स्कूल का अवार्ड स्कॉलर्स वैली को दिलाया। मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ स्कॉलर्स वैली के प्रिंसिपल। तो आइए और भी लोगों से मिलते हैं और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव। किसी भी एक इवेंट की जान होता है उसका होस्ट, तो हमारे साथ इस इवेंट के होस्ट हैं जो कि इस एनुअल फंक्शन को और भी शानदार और भी अच्छा बना रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले अपना इंट्रो दीजिए हमारे चैनल। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो देने के पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना बहुमूल्य वक्त निकाल कर रखा और हमारे इवेंट को आप कैप्चर कर रही है। और मेरा नाम है, मैंने स्टेज से भी यही बोला, मेरा नाम है रोहित, मेरे नाम के आगे आगे ही हिट लगा हुआ है, तो अगर एंकर ही हो हिट तो शो क्यों ना होगा सुपर हिट। तो माय नेम इज रोहित, रोहित चतुर्वेदी, एंड आई एम द एंकर ऑफ दिस शो। जैसे कि हमारा ये देश भारत वर्ष है, विविधता में एकता, अनेकता में एकता, उसी तरह इस इवेंट का भी यही हाईलाइट है कि इस इवेंट में गणेश वंदना, जैसे कि आप जानती हैं कि कोई भी शुरुआत होती है तो गणेश वंदना से होती है, उसके साथ ही साथ कश्मीरी डांस है, पंजाबी डांस है, बंगाली डांस है, तो बेसिक इस इवेंट का नाम ही है संस्कार। तो हम अपनी अभिव्यक्ति से अपने संस्कार को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, और ये दिखाना चाहते हैं कि स्कॉलर्स वैली के जो छात्र छात्राएं, जो बच्चे हैं, वो संस्कार के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड हैं, उन्हें नृत्य भी आता है, संगीत भी आता है, एंड दे नो हाउ टू परफॉर्म वेल इन फ्रंट ऑफ दिस ह्यूज बीट, दिस ह्यूज ऑडियंस। तो रोहित जी आप ऐसे ही हिट होते रहिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ इस इवेंट के होस्ट रोहित जी और इन्होंने हमसे बातचीत की, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव। तो चलिए यहाँ पे जो भी बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनके पेरेंट्स भी आए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनके बच्चे जब स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। तो हमारे साथ है मैम, अपना नाम बताइए आप। जी पूजा। तो आपके बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं? या कर रहे हैं, नर्सरी क्लास में है बच्चा। तो छोटे छोटे बच्चे इतनी ठंड में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आपको तो बहुत टेंशन भी हो रही है होगी कि मेरे बच्चों को ठंड ना लगे। हाँ टेंशन तो बहुत हो रही थी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देख के आई एम वेरी हैप्पी। कौन से गाने में परफॉर्म कर रहे हैं आपके बच्चे? तन तना तन 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 तारा था ना अभी, चलती है क्या ना उसे बारा, राइट। तो कैसा लगा आपको उनकी परफॉर्मेंस? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं कि उन्हें उनके बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा लगा। तो मैम अपना नाम बताइए। सुनीता।
आपकी बच्ची यहाँ परफॉर्म कर रही है? कौन से गाने में? कैसा लगा उनका परफॉर्मेंस देख के आपको? अच्छा लगा बहुत। तो यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देख के काफी खुश नजर आ रहे हैं। आइए और भी लोगों से पूछते हैं कि उन्हें अपने बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है। हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा अनमोल होता है, लेकिन जब वो स्टेज पे जाता है परफॉर्मेंस करता है तो वो पल और भी खास हो जाता है। तो मैम अपना नाम बताइए। आपकी बच्ची यहाँ परफॉर्म कर रही है? कौन से गाने में? गाने से डरती नौ का पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। आप कितने एक्साइटेड हैं उनके परफॉर्मेंस को लेकर? ठंडी भी बहुत ज़्यादा है तो टेंशन भी हो रही होगी। हाँ मैडम जी। तो यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ठंडी तो बहुत है फिर भी वो काफ़ी एक्साइटेड है अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और मिलेंगे और भी कुछ लोगों से। आपने देखा कि किस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से स्कॉलर्स वैली का एनुअल फंक्शन हुआ और इस एनुअल फंक्शन को नाम दिया गया था संस्कार का। वाकई में छोटे छोटे बच्चे इतनी ठंड में होने के बावजूद इतनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस करी, तो संस्कार तो इससे झलकता ही है। और इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि स्कॉलर्स वैली को बेस्ट स्कूल का अवार्ड भी दिया गया है। आगे और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, वीडियो जर्नलिस्ट राजेश अग्रहरी के बनारस की और भी बातें जानने के लिए इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि बनारस की बात बनारस के साथ। जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग, वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरी। सो स्वीट। जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग, अजय होटल बिल्डिंग, लवलावीर मेन रोड, वाराणसी। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहाँ अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी।